डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकला वर्मा, योर EVS टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर चैप्टर 5. द चैप्टर इज कलर्स इन नेचर. चैप्टर का नेम है कलर्स इन नेचर, मीन्स है प्रकृति के रंग. नेचर मीन्स होता है प्रकृति और कलर्स मीन्स होता है रंग. ओके, तो कलर्स आप सभी जानते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में इन्हें हम रंग कहते हैं. स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि इसमें जो नेचर के बारे में इसको डिस्क्राइब किया गया है ना, नेचर के बारे में बताया गया है कि नेचर बहुत ही सुंदर है. देखते हैं, जैसे अभी इस समय रेनी सीजन चल रहा है. देख रहे हैं कि इस रेनी सीजन में सुंदर सुंदर ग्रीन प्लांट्स हमारे चारों तरफ फैले हुए हैं, एंड कलरफुल फ्लावर्स हैं. तो इस तरह से जो नेचर है वह देखने में बहुत ही सुंदर होता है ना, और उनकी एक अलग ही विशेषता होती है, और वो वह बहुत ही अपने तरफ क्या करते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं ना. हमें अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देखना, हम सबको अच्छा लगता है ग्रीन ग्रीन प्लांट्स देखना, कलरफुल फ्लावर्स देखना. तो इस तरह से इस पोयम में पोएट जो है इसमें कुछ चीज़ें बताया है. आइए, तो फर्स्ट हम पोएम देखते हैं. सबसे पोएम के पहले मैं आपको एक पिक्चर के बारे में बताना चाहूँगी. देखो कि यहाँ पर एक गर्ल है ना, चारों तरफ ग्रीन प्लांट्स हैं. ये देखिए, ग्रीन प्लांट्स है, और ये ग्रीन प्लांट्स है. ये नाइट का सीन है, और ये जो बत्तख हैं, ये बत्तख है, और ये हंस है ना. तो ये कितने सुंदर सुंदर हैं, वाइट कलर हैं, जो कि पानी में स्विम कर रहे हैं ना. तो जो बत्तख और हंस होता है वह तो पानी में ही रहते हैं ज़्यादातर, और ये किस कलर के होते हैं, वाइट कलर के होते हैं. आइए इस पोयम को हम कर पढ़ते हैं. इसमें पोएट कहते हैं, वाइट इज द सन, वाइट इज द डक. पोएट क्या कहते हैं, वाइट इज द सन, वाइट इज द डक. SAWN सन, सन मीन्स होता है बतख. क्या होता है, बतख. ठीक, सॉरी, सॉन मीन्स होता है हंस. ओके, अ डक मीन्स होता है बतख. ठीक, सॉन मीन्स होता है हंस, डक मीन्स बतख. बतख और सॉन दोनों ही वाइट होते हैं, बट जो हंस होता है, जो सॉन होता है, उसका जो नेक होता है वो काफ़ी लंबा होता है. तो क्या कहता है इसमें पोएट, क्या कह रहे हैं कि वाइट इज़ द सॉन, वाइट इज़ द डक, मीन्स कि हंस का रंग, मतलब स्वान का कलर जो है वह भी वाइट है, और जो डक है उसका भी कलर क्या है, वाइट है. वाइट मीन्स क्या होता है, सफ़ेद. नाउ नेक्स्ट पैरा है आपका, सॉरी नेक्स्ट लाइन है, ब्लैक इज द नाइट, ब्लैक आर द क्रोज. अब इसमें पोएट कहते हैं कि रात कैसी होती है, ब्लैक इज द नाइट. रात कैसी होती है, काली रात होती है, और ब्लैक आर द क्रोज. और जिस तरह से काली रात होती है, उसी तरह से कौवा भी, कौवे किस कलर के होते हैं, काले रंग के होते हैं. कौवे भी काले रंग के होते हैं. ब्लू इज द स्काई, ब्लू इज द सी. अब इसमें बोल रहे हैं कि ब्लू कलर जो है वह स्काई भी और सी भी है. तो स्काई मीन्स क्या होता है, आसमान. स्काई मीन्स क्या होता है, आकाश या आसमान. और सी मीन्स होता है समुद्र. तो आप सी तो सभी जानते हैं, उसमें बिल्कुल ब्लू कलर का होता है. समुद्र का कलर कैसा है, तो ब्लू कलर होता है. तो इसमें पोएट कहते हैं, ब्लू इज़ द स्काई एंड ब्लू इज़ द सी, मीन्स उनका कहना यह है कि समुद्र नीला होता है, समुद्र का कलर नीला होता है, और आकाश का कलर भी नीला होता है. आकाश नीला होता है और समुद्र का कलर भी नीला होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन, ग्रीन इज द ग्रास, ग्रीन आर द ट्रीज. अब इसमें पोएट कह रहे हैं कि घास, घास का रंग कैसा होता है, घास हरी होती है, और जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज मीन्स पेड़ है ना, और पेड़ भी किस कलर के होते हैं, वह भी हरे कलर के होते हैं. पेड़ भी हरे कलर के होते हैं. नाउ
येलो इज द लीफ, क्या बोल रहे हैं, येलो इज द लीफ एंड येलो इज द मून। अब आप देखते होंगे कि कभी कभी लीव्स जो होती हैं वो येलो हो जाती हैं, है ना, काफ़ी टाइम लगे लगे लीव्स जो हो जाती हैं वह किस कलर की हो जाती हैं, येलो हो जाती है। जनरली तो वैसे वह ग्रीन कलर की होती हैं, लेकिन जब उसे अच्छे से पानी नहीं मिलता है, अच्छे से उसे मीन्स कि उसका फूड जो है उस तक नहीं पहुंच पाता, तो इस कारण से क्या होती है कि कभी कभी लीव्स जो होती हैं वह येलो हो जाती हैं। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं येलो इज़ द लीफ, येलो इज़ द मून, है ना। पत्ती का कलर क्या है, पत्ते का कलर पीला है, पत्ते का कलर पीला होता है, या पत्ती पीली होती है, येलो इज़ द मून, और चांद भी पीला होता है। तो आपने मून को देखा होगा, जब हम नीचे से देखते हैं है ना, तो वह हमें किस कलर का दिखाई देता है, येलो कलर का दिखाई देता है। क्या चीज़ येलो दिखाई देता है, हमें मून। तो यहाँ पर पोएट का कहना है कि पत्तियाँ भी, पत्ती भी पीली है और मून भी पीला है, मीन्स चांद भी पीला है। नेक्स्ट आप है हाउ मैनी ब्लू हाउ मैनी ग्रीन। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि तो अब ये बताओ कि यहाँ पर कितने चीज़ें नीली रंग की होती हैं, यहाँ पर कितनी चीज़ें नीली रंग की हैं और कितनी चीज़ें हरी। तो हाउ मैनी ब्लू हाउ मैनी ग्रीन, यहाँ पर पोएट का कहना है कि कितने नीले कितने कलर्स होते हैं, नीले रंग का कितना, सॉरी, मतलब नीले रंग की कितनी चीज़ें होती हैं और हरे रंग की कितनी चीज़ें होती हैं, मीन्स ब्लू कलर की कितनी चीज़ें होती हैं और हरे कलर की कितनी चीज़ें होती हैं। टेल मी सून, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। ये कौन कह रहा है, पोएट कह रहे हैं कि आप ये बताओ कि हरे रंग नीले रंग की कितनी चीज़ें होती हैं और ब्लू रंग की कितनी चीज़ें होती हैं। आप एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम में नीचे देखते हैं, ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस बॉक्स में, दिस शॉर्ट पोएम डिस्क्राइब्स द ब्यूटी ऑफ नेचर, या एक छोटी सी पोएम है जिसमें पोएट ने नेचर के बारे में डिस्क्राइब किया है ना, नेचर के बारे में बताया। एवरीवेयर वी सी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, चारों तरफ क्या है, नेचुरल ही चीज़ें हैं, इन डिफरेंट कलर्स और अलग अलग कलर्स के, सो नेचुरल सराउंडिंग्स ऑलवेज लुक ब्यूटीफुल एंड गे। और जो नेचुरल होता है, जो हमारे तरफ चारों ओर जो प्रकृति का वातावरण है और हरी भरी घासें है ना, पेड़ पौधे, कलरफुल फ्लावर्स, तो ये बहुत ही सुंदर है, इस तरह से पोएट कहते हैं। सो स्टूडेंट्स, दिस ये पोएम जो है बहुत शॉर्ट है, ये चैप्टर बहुत शॉर्ट है, तो साथ में हम एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। ओके, नाउ फर्स्ट एक्सरसाइज इज choose the most appropriate answer। यहाँ पर choose करना है आप answers को, तो ये तो आपको पता ही है। First है the number of colors we read in the poem is, आपने poem में कितने colors पढ़े हैं, कितने colors पढ़े हैं, 5, 3, 4 या 6, तो आपने कितने colors पढ़े हैं, हमने colors 5 कलर्स पढ़े हैं, किसके, वाइट, ब्लैक, ब्लू, ग्रीन एंड येलो, ये हमने 5 कलर्स पढ़े। तो इस तरह आपको ए नंबर के आगे जो बॉक्स बना हुआ है ना, उसके आगे आपको इस तरह से टिक लगाना है। नेक्स्ट है द नाइट इज ऑफ दिस कलर, है ना, नाइट का कलर होता है ब्लैक, ब्लू, वाइट या नन ऑफ दिस, तो नाइट का कलर क्या होता है, ब्लैक, तो ए नंबर के आगे हम ऐसे टिक लगा देंगे बॉक्स में, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ब्लैक। नाउ नंबर 3 इज द ग्रास इज ऑफ दिस कलर, ग्रास जो है इस कलर की है, किस कलर की है, येलो, वाइट, ब्लू एंड ग्रीन, तो ग्रास किस कलर की है,
ग्रीन कलर, तो डी के आगे जो बॉक्स होगा उसके आगे हम ऐसे ग्रीन कलर में टिक लगा देंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ नेक्स्ट है, नेक्स्ट है आपका मैच द वर्ड्स अंडर कॉलम ए विद द वर्ड्स अंडर कॉलम बी। यहाँ पर टू कॉलम्स दिए हुए हैं, कॉलम ए एंड कॉलम बी, तो चलिए हम कॉलम ए और कॉलम बी को मैच करते हैं। मून, मून किस कलर का होता है? येलो, तो वाई ई डबल एल ओ डबल एल ओ डब्ल्यू येलो। ग्रास, ग्रास किस कलर का होता है? ग्रीन, तो ये ग्रीन में आ गया। सी किस कलर का होता है? ब्लू, तो ये ब्लू में आ गए। नाइट, ब्लैक, डक, वाइट। इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, नेक्स्ट पेज में यहाँ पर एक्सरसाइज फोर है जिसमें करेक्ट दी स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पर रॉन्ग स्पेलिंग्स दी हुई हैं, इन्हें करेक्ट करके लिखना है। तो जैसे हमने करेक्ट किया, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी सी ओ एल ओ यू आर कलर, नीचे वाली की होगी जी ए आर डी ई एन गार्डन। ठीक, फिर नेक्स्ट है, इसकी करेक्ट स्पेलिंग होगी पी एल ई ए एस ई प्लीज, और इसकी होगी सी एच आई एल डी आर ई एन चिल्ड्रेन। नाउ नेक्स्ट है, इसकी है एस यू डबल डी ई एन एल वाई सडनली, फिर इसकी है एफ ओ आर ई एस टी फॉरेस्ट। इस तरह से हमने सारे जो रॉन्ग वर्ड्स दिए हुए थे उनकी हमने करेक्ट स्पेलिंग राइट कर ली। हियर आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट मे बी आस्क्ड बाय द गेस्ट। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, यहाँ पर ये जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो यदि ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, यदि आपके घर कोई आता है और आपसे यह क्वेश्चन पूछते हैं तो आप किस तरह से इनके आंसर्स देंगे। नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, हेलो व्हाट्स योर नेम। ठीक, जैसे आपके घर में गेस्ट आए हैं और आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हेलो व्हाट्स योर नेम, हेलो बेटा आपका क्या नाम है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? अपना नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या राइट करेंगे? माय नेम इज, क्या बोलेंगे? माय नेम इज, आपका जो नाम है वो बोलना है। ठीक, तो यहाँ पर आप इस जगह पे अपना नेम राइट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने साल के हो? तो आई एम, अब आप कितने साल के हैं? यदि एट ईयर्स के हैं तो एट ईयर्स ओल्ड बोलेंगे। ठीक, यदि सेवन ईयर्स के हैं तो सेवन ईयर्स ओल्ड बोलेंगे। यदि नाइन ईयर्स के हैं तो नाइन ईयर्स ओल्ड बोलेंगे। ठीक, तो यहाँ पर डैश में आपको खुद राइट करना होगा आई एम कितने ईयर्स के हैं, आपको इधर नंबर राइट करना होगा, बाकी ये ईयर्स ओल्ड लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड, मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज। तो थर्ड वाला क्या है? मे आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, क्या मुझे एक ग्लास पानी मिल सकता है? तो आप आंसर बोलेंगे यस यू कैन हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, हाँ आपको एक ग्लास पानी मिल सकता है। ओके, नेक्स्ट है, आई कैन सी यू स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, हु टीच यू इंग्लिश, क्या बोल रहे हैं कि आई कैन सी यू स्पीक इंग्लिश क्वाइट वेल, मैंने देखा है कि तुम बहुत अच्छा इंग्लिश बोलते हो, हु टीचेज यू इंग्लिश, या इंग्लिश कौन पढ़ाता आपको, तो आपको इंग्लिश कौन पढ़ाता है? आंसर में आप लिखेंगे मिसेस शशिकला मैम टीचेस अस, मेरी शशिकला मैम मुझे पढ़ाती हैं। नाउ फिफ्थ है, विच गेम डू यू लाइक टू प्ले, आपको कौन सा गेम पसंद है? तो जनरली बच्चों को कौन सा गेम पसंद होता है? आई लाइक टू प्ले क्रिकेट, है ना, ज़्यादातर बच्चों को आजकल के टाइम पे क्रिकेट पसंद है। बाकी जिन स्टूडेंट्स को जो गेम पसंद है वो क्रिकेट की जगह दूसरा गेम भी लिख सकते हैं। ओके,
नाउ सिक्स्थ, हैव यू सीन द मूवी हैरी पॉटर? क्या तुमने हैरी पॉटर मूवी देखी है? क्या बोलना है? यदि आप नहीं देखे हैं तो नो कर सकते हैं। तो हमने यदि देखा है तो क्या बोलेंगे? येस आई हैव सीन हैरी पॉटर, है ना? हाँ, हमने हैरी पॉटर मूवी देखी है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद द गिवन वर्ड्स। यहाँ पर कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं येलो बॉक्स में, आप देख रहे हैं, तो ये हेल्पिंग बॉक्स में आपके कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, तो इन वर्ड्स को यहाँ पर ब्लैंक्स में फिल करना है। नाउ फर्स्ट, अ चिकन इज द यंग वन ऑफ, है ना? चिकन, सॉरी, चिकन का जो युवा है वो क्या कहलाएगा? युवा मीन्स यंग। चिकन तो बच्चे को बोलते हैं, और जो यंग होता है उसे क्या कहते हैं? हैन। तो क्या आएगा? हैन। अ चिकन इज़ द यंग वन ऑफ अ हैन, है ना? चिकन के जो, चिकन से जो बड़े होते हैं उसे हम हैन कहते हैं। सेकेंड में अ कब इज़ द यंग वन ऑफ अ, और कब का यंग क्या होगा? लॉयन। कब? लॉयन के बच्चे को हम कब कहते हैं, और लॉयन शेर, यंग होता है, है ना? इसीलिए उसे शेर कहते हैं। थर्ड इज द यंग वन ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड, है ना? और द यंग वन ऑफ अ डॉग इज कॉल्ड अ क्या? पपी। डॉग क्या होता है? वह यंग होता है, तो हम उसे डॉग कहते हैं, और डॉग के बच्चे को हम क्या कहते हैं? पपी कहते हैं। क्या कहते हैं? पपी। नाउ फोर्थ, अ लैम्ब इज द यंग वन ऑफ अ, तो लैम्ब के यंग को क्या कहते हैं? जब लैम्ब बड़ा हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? शीप। शीप मीन्स होता है भेड़, भेड़ के बच्चे को हम बोलते हैं लैम्ब। नाउ फिफ्थ, द यंग वन ऑफ अ काउ इज कॉल्ड अ, है ना? काउ के बच्चे को हम क्या बुलाते हैं? काल्व, सी ए एल एफ, काल्व। नाउ सिक्स, द यंग वन ऑफ अ फ्रॉग इज कॉल्ड अ, है ना? तो जो यंग होता है उसे हम फ्रॉग कहते हैं, और फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलते हैं? टैडपोल, टी ए डी टैड पी ओ एल ई पोल। ओके, क्या बोलते हैं? टैडपोल। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ पर भी हेल्पिंग बॉक्स में वर्ड्स दिए हुए हैं, यहीं से आपको देख करके यहाँ पर फिल करना है। नाउ फर्स्ट, शी इज़ डैश वाटर इन द बकेट, बकेट। आपको यहाँ पर पिक्चर्स देख करके फिर उसके बाद फिल करना है, ठीक? तो फर्स्ट में क्या हो जाएगा? पाउरिंग वाटर इज़ द बकेट, जो वह जो है बकेट में क्या कर रही है? पानी को डाल रही है ना? तो पाउरिंग, पी ओ यू आर एन जी, पाउरिंग। नेक्स्ट है, द हॉर्स इज़ लाउडली, हॉर्स क्या कर रहा है? नींग, नींग मीन्स चिल्ला रहा, हिन हिन आते हैं ना, और हॉर्स जो है जोर जोर से क्या कर रहा है? हिन हिन आ रहा है, तो उनके हिन हिन आने को क्या बोल जाता है? नींगिंग, नींग। अब मेघा थर्ड में है, मेघा इज अ फ्लावर, मेघा क्या कर रही है? आप देख रहे हैं ये मेघा है, मेघा फ्लावर को क्या कर रही? स्मेल ले रही, तो मेघा इज स्मेलिंग अ फ्लावर, मेघा फ्लावर को सूंघ रही, उसकी स्मेल ले रही है। नाउ फोर्थ, द बॉय इज डैश लीव्स, द डॉय इज, बॉय इज प्लगिंग लीव्स। आप देख रहे हैं ये बॉय जो है वह पत्तियों को क्या कर रहा है? तोड़ रहा है, ठीक? तो क्या आएगा? प्लगिंग। फिफ्थ है, द चाइल्ड इज डैश मिल्क। अब ये बच्चे को आप देख रहे हैं, यह बच्चा क्या कर रहा है? द चाइल्ड इज ड्रिंकिंग मिल्क, चाइल्ड जो है वह पानी को पी रहा है, ठीक है? नेक्स्ट आपकी जो थर्ड एक्सरसाइज है, जो आपने पहले देखी थी, ये है एक्सरसाइज थर्ड, ये क्वेश्चन आंसर है। आइए अब हम क्वेश्चन आंसर्स पढ़ते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर वन, हाउ मेनी कलर्स आर डिस्क्राइब इन द पोयम, पोयम में कितने कलर्स को डिस्क्राइब किया गया है? आंसर है, द कलर्स Described in the poem are white, black, blue, green and yellow, है ना? पोयम में कलर को डिस्क्राइब किया गया है, उनमें से जो कलर हैं वह है W H I T E, वाइट,
BLAC के ब्लैक, BLUE ब्लू, GREEN ग्रीन एंड YELL येलो. ओके नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच थिंग्स आर ब्लू ऑफ कलर. इसमें कौन सी चीज़ जो थी वह ब्लू कलर की थी. आंसर है द स्काई एंड द सी आर ऑफ ब्लू कलर. है ना, स्काई और सी जो है वह किस कलर के हैं, ब्लू कलर के हैं. नंबर थर्ड, व्हाट कलर आर द डक्स. डक्स के क्या कलर थे. द आंसर है द डक्स आर वाइट कलर. डक्स वाइट कलर के. क्वेश्चन फोर है, हाउ मेनी ग्रीन थिंग्स आर देयर इन द पोयम. इस पोयम में हरे कलर की कितनी चीज़ों के बारे में पोयम ने बताया, पोयम में जो है हरे कलर की कितनी चीज़ों के बारे में बताया है. आंसर है इन द पोयम देयर आर टू ग्रीन थिंग्स नेमली ग्रास एंड ट्रीज. है ना, इस पोयम में दो हरी चीज़ों के बारे में बताया गया है जिसका नाम है ग्रास और ट्रीज. ठीक, अब हम यहाँ पर कुछ वर्ड्स मीनिंग भी देख रहे हैं. फर्स्ट है सॉन, SWAN सॉन. सॉन मीन्स हंस. सेकेंड है डक, DUCK डक. डक मीन्स होता है बतख. CROW क्रो, क्रो CROWS क्रोज. क्रोज मीन्स कौवे, अक्रो मीन्स कौवा. NATURE नेचर, नेचर मीन्स प्रकृति. SEACC मीन्स समुद्र. ओके तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये वर्ड्स मीनिंग है. आपको सारी एक्सरसाइज जो है बुक में फिल करनी है एंड क्वेश्चन आंसर्स वर्ड्स मीनिंग आपको अपनी कॉपी में राइट करना है. ओके तो आपको क्वेश्चन आंसर्स किस में राइट करना है, कॉपी में, और वर्ड्स मीनिंग और एक्सरसाइज बुक में फिल करना है और आपको यह पोयम भी लर्न करना है. ओके मैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में, नेक्स्ट जो लाइव क्लास होगी उसमें मैं यह पोयम आप लोगों से पूछ सकती हूँ. थैंक यू.